पुलवामा की किस्मत में जैसी शहादत की तस्वीरें देखना ही लिखा है। एक के बाद एक शहीद की अर्थियां उठ रही हैं। देश आक्रोश की आग में धधक रहा है, लेकिन शहादत का दायरा सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा। पुलवामा के पिंगलानी इलाके में सेना ने बड़ा ऑपरेशन किया। रात 12 बजे से पुलवामा में आतंकियों की घेराबंदी हमले जारी हैं। ऑपरेशन में सुरक्षा बल के 3 जवान और एक मेजर रैंक के अफसर शहीद हो गए। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना ने धावा बोला। सुरक्षा बलों के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 3 दिन के भीतर इतने जवानों की शहादत के बाद उन्होंने जैश के उस कमांडर को मार गिराया है जो पुलवामा हमले के पीछे जिसका दिमाग माना जा रहा था। और ये एक बड़ी सफलता सेना और सुरक्षा बलों के लिए मानी जाएगी, क्योंकि इतने जल्दी 3 दिन में इस ऑपरेशन तक पहुँचना एक बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों, पुलिस और सेना के लिए मानी जाएगी। वही गाजी राशिद, जिसे पाकिस्तान ने साजिश के स्कूल में लिखाया पढ़ाया और कश्मीर में खून खराबे के प्लान के साथ घाटी रवाना किया, गाजी राशिद की साजिश का अंजाम सामने है। 14 फरवरी को पुलवामा में आईडी ब्लास्ट में 40 जवान शहीद, 16 फरवरी को एलओसी पर मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद, 18 फरवरी को पुलवामा में मुठभेड़ में 4 जवान शहीद। यानी 5 दिनों में आतंक के अग्निकुंड में 45 जवानों की चिताएं सज चुकी हैं। इसलिए देश आज पूछ रहा है, आखिर शहादत का ये सिलसिला और कितने दिनों तक और कहां तक जारी रहेगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।